तो चलो प्यार बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। इसमें क्या कर रहा है, एलिवेटर इज मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सलेशन। ये एलिवेटर नीचे जा रहा है और एक्सलेट हो रहा है। तो अगर ये नीचे जा रहा है, एक्सलेट हो रहा है, तो फोर्स एग्जर्टेड बाय द पैसेंजर ऑफ मास एम ऑन द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक कोई पैसेंजर है जो कि इस एलिवेटर में रहता है, इसका ये घर है इसका। तो यहाँ पे ये कोई पैसेंजर आ गया यहाँ पे। तो अगर ये नीचे लिफ्ट एक्सलेट हुई, तो इस आदमी पे कुल कितने फोर्स लगेंगे, ठीक है। सॉरी, ये हाँ, पहले मतलब ये निकालना है कि फोर्स एग्जर्टेड बाय ये पैसेंजर, अब मतलब फ्लोर फ्लोर पे ये कुल कितना फोर्स लगा रहा है। तो फ्लोर पे ये उतना फोर्स लगाएगा जितना फ्लोर इसके ऊपर लगाएगी। तो फ्लोर इसके ऊपर तो एक ही फोर्स लगाएगी नॉर्मल, तो कुल मिला के हमें नॉर्मल ही तो निकालना है। और एक अर्थ लगा देगी एम जी, ठीक है। अगर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम से लुक करूँ तो सूडो लगाऊंगा, तो सूडो लगाने के लिए एक ऑब्जर्वर इसी में बैठा होगा जो इस पे सूडो लगाएगा। तो अगर ये जो बैठा है सूडो लगाएगा, तो जब इसका लिफ्ट एक्सलेशन ए है, तो इस पे सूडो जो है ऊपर लगाएगा, मास ऑफ द बॉडी एक्सलेशन है। तो यहाँ एन की कैलकुलेशन करनी। ये जो ऑब्जर्वर है जो सूडो लगा रहा है, उसको ये रेस्ट में दिखाई देगा उसके बगल वाले पैसेंजर को। तो ये बोलेगा NA+N बराबर होगा MG के। इसका मतलब ये हुआ कि MA+N, हमें नॉर्मल चाहिए, तो नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी MG-MA। तो यहाँ से M कॉमन हो गया, तो G-A इज द नेट फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लोर ऑन द मैन या बाय द मैन ऑन द फ्लोर। तो इस हिसाब से अपना तुम देखोगे कौन सा ऑप्शन यहाँ से मैच कर जा रहा है। सी ऑप्शन मैच कर जा रहा है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।